Hello students how are you i hope you all are doing good today we are starting a chapter which name is early human part 1 okay before starting the chapter we have to know some important terms like what do you mean by paleolithic age paleolithic age referred the early stone age when men lived by hunting and food gathering what do you mean by flint flint is a hard steel gray stone anthropologist the historians who studies about the origin and development of society and humans नाउ प्रिमेटिव मैन एवोल्व फ्राम एप्स डू नो प्रिमेटिव मैन ठीक है पुराने मैन जैसे एप पहले इस टाइप से ह्यूमन बींग के एवोल्यूशन हुई थी उसके बाद धीरे धीरे उन्हें चलना आया दोनों पैरों पर खड़े होना आया अपने अलग अलग काम हाथों से करने आए तो धीरे धीरे इरेक्ट होके जैसे आज हम हैं ह्यूमन बींग जो है इस तरीके से उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई अर्ली मैन डेट नोट नो हाउ टू ग्रो प्रोड्यूस हिज फूड अर्ली मैन को ये भी नहीं आता था कि कैसे क्रॉप को ग्रो करना है कैसे फूड को प्रोड्यूस करना है वो क्या करते थे ग्रुप्स में इधर उधर फूड शेल्टर और सेफ्टी की तलाश में मूव करते रहते थे और अ ग्रुप जनरली कंजिस्टेड ऑफ सम मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन हु स्टे टुगेदर फॉर देयर सेफ्टी एंड सर्वाइवल इट हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर फ्रूट रूट्स नट्स लीज एंड सीड जो भी फॉरेस्ट में चीज़ें मिलती थी खाने के लिए वो उनको गैदर करते थे और उसके अलावा हंटिंग करते थे वन द प्लांट्स एंड एनिमल फूड गोट ऑग्जिस्टेड इन वन एरिया अब एक जगह जब वो रहने लग जाते थे वहां का जब फूड प्रोड्यूस जो है वो खत्म हो जाता था तो क्या करते थे पूरा ग्रुप जो है दूसरी जगह मूव कर जाता था इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द अर्लियस्ट सोसाइटी और इस तरीके से अर्लियस्ट सोसाइटी की बिगनिंग हुई थी ओके okay? तो फर्स्ट हम इसमें रीड करेंगे द स्टोन एज स्टोन एज यानी पैलियोलिथिक एज स्टोन एज मैन वैन थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच कैन बी जस्ट फ्रॉम द एवल्यूशन ऑफ इस tools and implements anthropologists have divided the stone age into three ages first is paleolithic and second is mesolithic and third is neolithic okay before starting the paleolithic age now we have to read an interesting fact interesting fact is that Astrolopithecus that are the ape, okay, the ancestor of modern humans and Homo erectus was mainly present in the lower Paleolithic age, i.e. Yani, Paleolithic age which we are going to read is the first age, stone age which was the oldest, even the ape type structure of the human being. Ka. We find evidences of the neanderthal men using fire in the middle Paleolithic age and in the upper Paleolithic period. Nindarahal man disappeared and was replaced by a variety of Homo sapiens such as Cro Mangon man and Jirmaldi man. Now. फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं पैल्योलिथिक और वी कैन से द ओल्ड स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज दिस एज बिगेन अराउंड फाइव लैक बी सी एंड कंटिन्यूड अपू टेन थाउजेंड बी सी दैट इज अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड ईयर अगो इन दिस पीरियड आर्ली मैन यूज क्रूड टूल्स मेड ऑफ स्टोन इस टाइम पर पैल्योलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन बींग में इतनी नॉलेज नहीं थी तो वो क्या करते थे जैसे स्टोन होते थे उन्हीं को एज अ टूल यूज करते थे फाइन इन इंडिया सच स्टोन टूल हैव बीन डिस्कवर्ड एट द Site. अब ये का हमें कैसे पता लगा है? क्योंकि ऐसे टूल वैली दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर उसके पास अपर झेलम वैली शिमला हिल्स एंड निवासा एंड परवारा वैलीज नर्मदा वैली गोदावरी वैली यहाँ पर हमें क्या मिले हैं ऐसे क्रूड स्टोन टूल मिले हैं इससे हमें पता लगता है ये जगह जो थी ये किसमें काउंट होती है पैलियोलिथिक साइट में ठीक है नेक्स्ट इज मीजोलिथिक और वी कैन से मीडल एज अब थोड़ी सी नॉलेज जो है ह्यूमन बींग की वो डेवलप हो गई थी अब वो क्या करते थे एज को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं अब उनको जो स्टोन टूल वो यूज कर रहे थे क्रूड स्टोन अब उनको वो शार्प करने आ गए थे छोटे बनाने आ गए थे कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं तो इस पीरियड को नाम दिया गया माइक्रोलिथिक और वी कैन से मिजोलिथिक और मीडल स्टोन एज ओके नेक्स्ट है न्यूलिथिक एज न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज दैट लास्ट इज बिगेन अराउंड 8000 थाउजेंड बी सी एंड द टूल्स इन दिस एज वर मच शार्पर दैन द मीजोलिथिक अब ह्यूमन बींग में स्किल्स और नॉलेज दोनों डेवलप हो गए थे अब इनके जो टूल थे ठीक है वो और ज्यादा शार्प हो गए थे अब उनको हंटिंग करना और इजी हो गया था और स्टोन के साथ साथ वो मेटल का भी यूज करने लगे थे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द प्रिमेटिव मैन यानी पहले जो मैन थे प्रिमिटिव मैन पुराने लोग अर्ली ह्यूमन बीइंग उनकी लाइफ कैसी थी अर्ली ह्यूमन बीइंग जो थे ठीक है दे आर हंटर्स एंड फूड गैदरर वो एक जगह से दूसरी जगह फूड वाटर ग्रेन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे ही प्रेड ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड कलेक्टेड एडिबल प्लांट्स रूट्स फ्रूट्स बेरीज एटसेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट और स्टोन टूल का यूज करते थे फॉर हंटिंग एनिमल चॉपिंग मीट कटिंग वुड एंड डिगिंग रूट्स एंड ट्यूबर्स नाउ ही कंज्यूम रो फ्लैश ऑफ एनिम

टू प्रोटेक्ट हिम सेल्स फ्रॉम कोल्ड एंड रेन अर्ली मैन वोर स्किन ऑफ एनिमल और बाक ऑफ ट्री अपने आप को कोल्ड और रेन से बचाने के लिए क्या करते थे एनिमल की स्किन से अपनी बॉडी को कवर करते थे या फिर बाक ऑफ ट्रीज से टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वैगरीज ऑफ वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स ही टुक शेल्टर इन केव एंड रोक शेल्टर और अप इन थिक ट्रीज कई बार क्या करते थे वाइल्ड एनिमल से या फिर वेदर से बचने के लिए क्या करते थे केव बना लेते थे उसमें रहते थे या फिर रोक किसी बड़े पत्थर के नीचे शेल्टर बना लेते थे या फिर पेड़ों के ऊपर रहते थे ओके okay? ये सब पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हो अर्ली ह्यूमन बींग की लाइफ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन्स मेक टूल्स एंड वेपन्स कैसे ह्यूमन बींग ने टूल बनाने सीखे कैसे वेपन बनाने सीखे प्रिमटिव मैन वॉज फिजिकली वीकर दैन फ्रीसियस वाइल्ड एनिमल जो जंगली खतरनाक जंगली जानवर थे उनसे प्रेमेटिव मैन काफ़ी वीक थे ओके okay? सो so उन्होंने क्या सोचा वो उनसे डरते भी थे इसीलिए वो ग्रुप में मूव करते थे तो उन्होंने अब टूल बनाने शुरू किए वेपन बनाने शुरू किए ताकि वो वाइल्ड एनिमल से खुद को बचा सकें ओके ही बिगेन टू मेक टूल्स एंड वेपन टू यूज अगेंस्ट हिज प्रीडेटर्स एंड टू अपटेन हिज फूड ही यूज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक शार्प पीसेज ऑफ वूड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड स्टोन्स टू किल दीज एनिमल्स

हंटिंग तो उनके इजी हो गई थी इनसे उसके अलावा कटिंग किलिंग एनिमल्स एंड रिमूविंग देयर स्किन डिगिंग द अर्थ एट्सेट्रा ये भी बहुत इजी हो गए थे सच इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड अलोंग द रिवर बेड्स। कहाँ ये आपको इम्प्लीमेंट दिखा देखने को मिलती हैं, लाइक द शिवालिक फुटहिल ऑफ द हिमालयस, पंच जम्मू एंड डेकन प्लेट्यू जहां पर इस टाइप के टूल्स और वेपन्स को यूज किया जाता था कैसे वो टूल बनाते थे दैट आर द टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग फर्स्ट इज स्टोन ऑन स्टोन स्टोन ऑन स्टोन एक स्टोन से दूसरे स्टोन पर मारकर ठीक है इन दिस टेक्निक द स्टोन फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड जिससे टूल बनाना है एक हाथ में लेकर दूसरा स्टोन जो है उसको एज अ हैमर यूज किया जाता था उसको शार्प करने के लिए ओके okay? सेकेंड है प्रेशर फ्लेकिंग प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता है द स्टोन टू बी चेप डू प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस सच एज अ रोक जिसका टूल बनाना होता है वेपन बनाना होता है उसको एक रोक पर फ्लैट सरफेस पर रखा जाता था फिर दूसरे स्टोन को उससे शार्प किया जाता था ओके सो दिस इज प्रेशर फ्लेकिंग नाउ ह्यूमन्स डिस्कवर फायर कैसे फायर की डिस्कवरी हुई जैसे अभी हमने पढ़ा द टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग तो शायद एक दिन क्या हुआ होगा वो टूल्स आपस में रब कर रहे होंगे और वहां पर कुछ सूखी लीव्स पड़ी होंगी ड्राई लीव्स पड़ी होंगी और उसमें आग लग गई होगी ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने आग को डिस्कवर किया फायर को डिस्कवर किया अब फायर का वो यूज करते थे टू कीप और टू लाइट हिज डार्क केस एंड टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड टू रोस्ट हिज फूड खाने को पकाने के लिए जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए अपनी अंधेरी गुफा में लाइट के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए नेक्स्ट इज अर्ली रॉक पेंटिंग्स अर्ली रॉक पेंटिंग्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैन लिव इन केव ड्रो रफ फिगर्स एंड सीलिंग क्या करते थे? में रहते थे जब उनके पास खाली टाइम होता था तो वो, वो केवस की दीवारें होती थी छते होती थी उन पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे ज्यादातर वो क्या ड्रॉ करते थे जो अपनी डेली लाइफ में वो करते थे यानी कोई मैन जो है वो किसी एनिमल को हंट कर रहा है इस टाइप के सीन होते थे ऐसे सीन आप देख सकते हो दैट इज इन विम्बेद ज नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश फाइन नेक्स्ट इज रिलीजन ऑफ द पैलियोलिथिक मैन यानी पहले जो मैन थे ओल्ड स्टोन एज में जो मैन थे उनका रिलीजन क्या था द प्रिमिटिव मैन वॉज एक्सपोज टू दैग ऑफ वेदर एंड नेचर ही वॉज केयर्ड ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक्स ही फर्मली बिलीव डैट एवरी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैड अ स्पिरिट क्या बिलीव करते थे कि जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं सब में एक आत्मा होती है ठीक है वो किसी तरीके की बीमारी या महामारी से काफी डरते थे आउट ऑफ फीयर ही बिगिन वर्शिपिंग नेचर सो हैज टू अपीज दी स्पिरिट तो इस डर से निकलने के लिए वो क्या करते थे नेचर की प्रे करते थे अब नेचर क्या होते हैं जैसे सन रेन ठीक है तो इन चीजों की वो प्रे करना उन्होंने स्टार्ट किया लाइक फर्स्ट इज ही वर्शिप्ड हिज एंसेस्टर आफ्टर देयर डेथ क्या क्या हमें पता लगता है एविडेंसेस से कि वो जो उनके एनसेस्टर थे उनकी डेथ के बाद उनकी भी पूजा करते थे सेकेंड ही बरिड द डैड अलोंग विथ देयर टूल्स एंड इट एबल एज ही बिलीव दैट द सोल वुड नीड दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट और जो बरिड करते थे डेड बॉडी को उसके साथ कुछ टूल्स और कुछ खाने का सामान रख देते थे, थे क्योंकि वो ये सोचते थे कि शायद उनकी आत्मा को दूसरे जन्म में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी नेक्स्ट इज ही वॉज अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर एंड बिलीव दैट दिस विनोविनाव वर द एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर वो डरते थे किससे जब बिजली चमकती थी ठीक है तूफान आता था तो इनसे डरते थे तो वो क्या सोचते थे शायद भगवान जो हैं वो हमसे नाराज हो गए हैं ओके नेक्स्ट ही बिलीव्ड इन मैजिकल पावर मैजिकल पावर में बिलीव करते थे नाउ हेयर इज अ केस स्टडी अबाउट द डेकन डेकन में कैसे लोगों की लाइफ थी साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मैनी प्लेसेस इन साउथ इंडिया आल्सो। साउथ इंडिया में एक ऐसी प्लेस है दैट इज डेकन वेयर द अर्लीस्ट ट्रेसिस ऑफ मैन काइंड माइग्रेटेड फ्राम अफ्रीका लोंग एगो ठीक है जो अफ्रीका से लोग माइग्रेट होकर डेकन में आए थे अर्ली मैन इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया एज द पेनिन्सुलर प्लेट्यू एंजॉयड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एट दैट टाइम एंड ओफर्ड कॉन्जिनेंटल लिविंग कंडीशन ऐसा माना जाता है कि जो रियल इंडियन है इंडियन नेटिव जो है अर्ली मैन इन इंडिया वो साउथ इंडिया से ही ऑरिजिनेट हुए थे क्योंकि वहाँ पर लिविंग कंडीशन क्लाइमेट काफी अच्छा था सूटेबल था अब जो साइट अर्ली स्टोन ए से बिलोंग करती हैं डेकन में उनमें से कुछ नाम आपको दिए गए हैं दैट इज नरसिंगपुर इन द नर्मदा वैली इन सेंट्रल एशिया निवासा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर प्रावा एंड द थर्ड इज गिदौल गिदोलर एंड करीम इन आंध्र प्रदेश इस तरीके से काफ़ी साइट्स हैं ठीक है जो आपकी पैलियोलिथिक की काफ़ी चीज़ें वहाँ से मिली हैं अपर पैलोलिथिक है थोड़ा सा अच्छे बनाने आ गए थे टूल्स ठीक है टूल्स में प्रोग्रेस करना उन्होंने शुरू किया अ मेजर डेवलपमेंट इन द एज वॉज द यूज ऑफ बोन टूल्स फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल स्टिक्स फिशिंग हार्पू एंड पॉइंटेड स्पीयर्स अब उन्होंने क्या किया बोन का यूज करना शुरू किया था एज अ टूल नाउ

एज द पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग एंड द प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्स इनक्रीज ह्यूमन ग्रोप्स बिकेम मोर मोबाइल अब क्या हुआ था पॉपुलेशन बढ़ गई थी ठीक है और जो लोकल रिसोर्स है उन पर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया था पॉपुलेशन ज्यादा है खाने की चीजें कम है तो इस टाइम ह्यूमन क्या करने लगे थे घूमने लगे थे इधर से उधर तो इस टाइम में एक बहुत बड़ा चेंज आया था अदर टूल्स बिकेम स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड एंड दे व नोन एज माइक्रोलिथिक अब उन्होंने क्या शुरू किया था इस टाइम पीरियड में बो एंड एरो का डेवलपमेंट हो गई थी उसके अलावा अब जो क्रूड स्टोन टूल वो यूज करते थे अब वो छोटे बनाने लगे थे और क्या रिफाइंड शार्प बनाने लगे थे और ऐसे टूल को क्या कहते हैं माइक्रोलेथ फाइन तो ऐसी काफी साइट्स हैं जहां से हमें ये चीजें पता लगती हैं उसके अलावा मेसोलिथिक में पेंटिंग केव पेंटिंग भी काफी फेमस हो गई थी नाउ We have to do a quick recap of the chapter. First is primitive man evolved from apes and lived like animals. The oldest period of human history is called Paleolithic period which is mainly divided into Old Stone Age and New Stone Age. The primitive man lived by hunting and food gathering and lived in rock shelters. And he used crude tools made of stone. Towards the end of Paleolithic period, man discovered fire and Paleolithic man made rough drawings on the walls of dark caves. Paleolithic man believed in spirits and worshipped nature. He also believed in the world after death. Nursingpur, Nevasa, Gidalpur, Krimpudi, Geology, etc., are some of the Paleolithic sites in India. So, this is the chapter, Bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.